ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੈਲਕਮ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ मैं माफी चाहूंगा। अज एक बहुत ही गंभीर विषय पे मैं जानकारी साझी करनी है ताकि वो तुहाडियां कलमां तुहाडे कैमरियां दे थ्रू 3.5 करोड़ पंजाबियों तक पहुंचे क्योंकि सरकारां लोकां ने चुनिया हुई ने ते लोकां ने चुनी हुई सरकारां जदों लोकां लई कोई सहूलत कोई प्रोजेक्ट जां कोई स्कीम लैके आउंदे ने सरकारां जदों लैके आउंदियां ने तां सरकारां दा फर्ज बनदा है कि उह लोकां नूं जरूर दसण उहदियां बारीकियां उहदे पॉइंट्स क्योंकि जिहड़े समझौते एग्रीमेंट्स लोगों के हक लिए किए गए ने उहदे बारे लोगों को पता होना चाहिए गुप्त समझौते होने चाहिए जिस तरह पास्ट दे विच हुंदा रहा है कि सानूं पता ही नहीं लग्या कि कदों किन्ने किन्ने सालां दे किन्ने किन्ने रेट च चाहे वह टोल प्लाजा दे होण चाहे वह किसी होर महकमे नाल संबंधित एग्रीमेंट हो लोगों तो लुको के गुप्त समझौते कर गए जिदा बाद दे विच नुकसान भी झलना पै रहा अज भी झलना पै रहा खजाने में बहुत सारे गलत फैसलों का। सो असीं चाहुंदे आ कि आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की राजनीति करती है तो असीं सारा कुछ जनता के सामने रखिए कि कहड़ा प्रोजेक्ट असीं साइन किया है तो उहदे नाल की फायदा होने वाला। अज का जिहड़ा विषय वो सोलर पावर परचेज एग्रीमेंट है। जमाना सोलर वालों जा रहा है ग्रीन एनर्जी वालों जा रहा है तो असी पीसीएस पीसीएल वालों एक समझौता सोलर पावर का किया जिहदे विच हुण तक दा ये सोलर पावर की खरीद का सब तो वड्डा एग्रीमेंट है 1200 मेगावाट का। यह बीबीएमबी की हुई एक कंपनी है भारत सरकार की अंडरटेकिंग सतलुज जल बिजली निगम SJVN सतलुज जल बिजली निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है 1000 मेगावाट का इन्होंने एग्रीमेंट होया 2.53 रुपये प्रति यूनिट 2.53 रुपये तो 200 मेगावाट होशियारपुर वास्ते 2.75 रुपये प्रति यूनिट दी जिहड़ी उन्होंने पेशकश की। तो पहली बार स्विस चैलेंज विधि SCM बोलने काउंटर बोली में सद्दा देने लिए इसी लागू की। और पहला 2.68 रुपये उन्होंने बिड की थी प्रति यूनिट, असी 6 पैसे उन्होंने कटवाए क्योंकि ये गल बहुत नोट करने वाली है जे जे असी 1 पैसे का बदलाव करते हैं कि 1 पैसा घटा लें 1000 मेगावाट सोलर प्लांट तो 25 साल 64 करोड़ 60 लाख बन जाते हैं। तो असी 6 पैसे घटाए ने तो कुल 25 साल 387 करोड़ रुपया बचू है। कहने वो पैसे होंगे ने पर अमाउंट बहुत वड्डी बन गई।
200 मेगावाट वाले चो असी टैरिफ चो 4 पैसे पर यूनिट घटाया 275 से लेके आए तो ये 44 करोड़ रुपया बचूगा, यानी कि टोटल 1200 मेगावाट से कुल जरा 431 करोड़ रुपया बचूगा जी बिजली की इस खरीद के समझौते। तो जिन्होंने जो आप कह दिए कि सिंपल भाषा च सादी बोली च बोल दिए तो 1200 मेगावाट सोलर वास्ते 17.5 करोड़ रुपये एवरी ईयर बचेंगे जी PSPCL के। आम तौर पर जो दूजे राज्य जो जिम्मे इन्हों का बीकानेर है एक भुज है जितों ये सप्लाई करेंगे, आम तौर पर पावर जी बिजली ट्रांसमिशन करने 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब न ट्रांसमिशन चार्ज या ट्रांसमिशन लॉसिस का वसूलिया जाता है, पर असी भारत सरकार की एक स्कीम है कि जो 2025 तो पहले चार्ज लागू कर लोगे तो ट्रांसमिशन चार्ज नहीं लगेगा तो ट्रांसमिशन लॉसिस का भी कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। सो असी ये उस तो पहले पहला जोड़ा वो चालू कर लेंगे तो 1200 मेगावाट साढ़ा पैर पर ईयर पर 252 रुपये 53 पैसे के हिसाब न टोटल 83 लाख यूनिट रोजाना उत्पादन होगा जी। जो सानू इन्नी बिजली सस्ते रेट से मिलेगी देने दिन वेले खेती के ट्यूबवैलों बिजली देने बहुत आसानी होगी, सूरजी ऊर्जा क्योंकि दिन वेले ज्यादा उपलब्ध रहती है तो खेतीबाड़ी ट्यूबवैलों वो तो वह बिजली देने वास्ते PSPCL ने भारत के पंजाब के स्थित जो प्रोजेक्ट ने उन्होंने 2500 मेगावाट सोलर प्लांट लिए होर भी टेंडर जोड़े ने वो जारी किए हैं। इस तो पहला भी एग्रीमेंट हुए ने, मैं तुम दसदा यह मेरे को एग्रीमेंट है यही किया है जी April 2007 तो March 2017 तक अकाली गौरमेंट का जी। तुम हैरान हो जाओगे कि ये जोड़े रेट ने वो 8.74 रुपये पर मेगावाट तक ने, मेरे को कल्ले कल्ले उसकी लिस्ट पई है 8.52 भी है किसी तो 7.67 रुपये भी है किसी तो आत्मा पावर लिमिटेड 8.41 रुपये भी है। जिन्हें भी सूरजी ऊर्जा वाले 8.49 भी है ये सिर्फ एक जगह पे है जिथे 4.82 ते 4.73 है सारे ही 7 तो उपर है जी। April 2007 तो 17 मार्च सरकार बनी आई समय तक 17 तो 22 इन्होंने 700 जोड़ा अप्रैल वाला एग्रीमेंट है 10 साल का उस 951 मेगावाट का सी जोड़ा कांग्रेस ने 17 तो 22 तक रिन्यू किया 700 मेगावाट का सी वह भी महंगा सी 8 नंबर जोड़ा होना है ये 2500 मेगावाट का 2.33 रुपये तो 2.75 रुपये के बिच 2.75 हायर साइड है 2.33 पैसा लोअर साइड है। ये सानू क्योंकि भारत सरकार की अंडरटेकिंग वाली BBMB ना रिलेटेड ये जी प्रोजेक्ट है जोड़ा सतलुज जल बिजली निगम है ग्रीन एनर्जी वाले। सो असी 25 साल वास्ते कोई ये वाधा नहीं होगा जी कि साल बाद इन्ने % असी रेट बना रहे हैं। नो ट्रांसमिशन चार्जेस नो ट्रांसमिशन लॉस चार्जेस। सो ये जमा पंजाबी कहने ओका पुक्का जी इस कोई वाधा नहीं होगा। ये उस सतलुज जल बिजली निगम का भी देश का सब तो व्डा एग्रीमेंट है तो सब तो सस्ता एग्रीमेंट है वह
होर स्टेटां महंगा दे रहे हैं, पर असीं उन्हां नूं कहा कि क्योंकि BBM भी पंजाब नाल संबंधित है साडे नाल, असीं तां उही बिजली जिहड़ी पैदा करके फूडबॉल च पाउणे आ, इसका हिस्सा पाउणा है देश के अनाज भंडारा च। तां मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा कि उन्होंने मतलब साडा जिहड़ा एक पैसा भी असीं बचाउणा चाहुंदे सी उह साडी हैल्प कीती है। 431 करोड़ रुपया जिहड़ा उह टोटल 25 सालां च बचूगा, यानी कि 17.5 करोड़ रुपया पर ईयर बचूगा, तो 83 लाख मैगावाट जिहड़ी बिजली है वह मिलेगी सानू। तो मैं ये जानकारी इसलिए तुहाडे कोल लैके आया कि पहला वाले जिहड़े एग्रीमेंट सीगे उन्हां ते काफ़ी विवाद होंदे रहे, किवें उन्हां नूं बिजली मतलब लो ना लो उन्हां नूं इन्ने पैसे देने ही पैणगे, इस तरह के क्लॉज जिहड़े वो एग्रीमेंट च पाए गए। जे कि है जी नहीं ये तो असी हाँ अगली एक स्टेज होगी हूँ बैंकिंग वाली कि असी पंजाब स्टेट पहली स्टेट होगी असी बैंकिंग की पॉलिसी भी लागू कर रहे हैं कि बैंक भी कर सकी, इंडस्ट्री में भी बिजली होर सस्ती असी दे सकेंगे। सो इस करके थोड़े नाल ये जानकारी साझी करने वास्ते इन्हों का जी बीकानेर भुज गुजरात उन्होंने प्रोजेक्टा तो सानू ये बिजली देंगे, नहीं पंजाब पंजाब का साडा अपना जिहड़ा उन्होंने मंत्र चेंज किया हूँ, क्योंकि पहला वो थर्मल प्लांट बनाना सी उन्होंने उन्होंने तो नहीं बन सकया गोबिंदपुर सा सूरजी ऊर्जा का वह टाइम लग जू, पर वह भी असी अपना भी असी जो शुरू कर। हाँ जी होशियारपुर असी जो अपना भी बना रहे डैम जो 202 मेगावाट का जोड़ा रावी के किनारे थे ना तार कला पहला पानी और रावी में जाता से सारा हाँ तो उन्होंने असी हूँ बिस्त दुआब नहर भी जी इंद्रपीर जी जी बिस्त दुआब नहर है वह भी 12 महीने चलिया करो तो वो सारी बिजली सानू जी 200 मेगावाट वह भी मिल रही है। हाँ जी नहीं असी उन्होंने तो खरीद रहे हैं ये तो रेगुलेटरी कमीशन फैसला करता, पर जो सू सस्ता मिलता है जोड़ा इस वक्त रेट चल रहे उन्होंने तो घट ही जाऊगा, क्योंकि बिजली मार्केट अवेलेबल हैगी है तो सानू कोई हर्ज नहीं होगा कि असी होर रेट घटाइए, भावें डोमैसटिक हो भावें वो कमर्शियल हो। जिस तरह मैं तुम्हें कहा कि इंडस्ट्री ना भी हम मीटिंग करा असी कि असी उन्होंने डायरैक्ट भी मीटिंग करा सकते हैं, बैंकिंग पॉलिसी आ गई तो होर भी ज़्यादा फायदा हो जूगा कि असी जी इन बैंक करके तो असी इंडस्ट्री असी दे सकते हैं। ऑलरेडी इंडस्ट्री लिए कोई कट नहीं है ना ही कोई इदा का असी कोई कह भी हफ्ते च 2 बार तुझे बंद रखनिया पैणगे या कोई होर वो ऑलरेडी असी पिछले पैडी सीजन च भी इस बार वाले पैडी सीजन च भी कोई इस तरह की कमी थी। काफी बार मीटिंग हो चुकी ने देखो दो अपने को सरकारी ने लहरा मुहब्बत रोपड़, तीजा जो गोइंदवाल वाला है जिहड़ी है सरकार वालों खरीदने की प्रक्रिया जिहड़ी बहुत नेड़े लगी हुई है, कागजी कार्रवाई चल रही हैं। सो दो रह जाएंगे, एक तो राजपुरा वाला तो एक तलवंडी साहब वाला है जी। एक मिनट बाजवा साहब, सो दो रह जाएंगे उन्होंने असं हूँ इस गलबात कि पहला वाले जिहड़े तुसीं एग्रीमेंट कर ले क्लॉज कर ले तो तुसी आप देख लो बिजली प्राइवेट मार्केट के कितनी सस्ती पई है, असी क्यों करिए तुहाडे तो वो इस गल ते सहमत नहीं कि असी इहदे ते जिहड़ा अपना दोबारा सोच लैने ते वो नाल सोलर की भी परमिशन नाल नाल कहिंदे सानू भी दे दो फिर साडे कोल भी जगह पई है। तो इस तरह करके असी ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन्ना घट तो घट उन्होंने समझौतों मुताबक जो जिम्मे तुम क्या चिट्टे हाथी इन्हों जिन्ना घट तो घट असी इन्हों का घटा सकी चाहे तो दोबारा उन्होंने
एग्रीमेंट क्लॉज जिन्हें वो डिस्कस करिए दोबारा डिस्कस करिए ता करिए तो मेरी सारी मीटिंग उन्होंने चलती रहती है पीसीएल की भी मीटिंग चलती रहती है और आने वाले दिन तक जो भी कोई इस मामले से कोई महत्वपूर्ण कोई समय समय से सुझाव दी रही है सो पर इस तरह का हजे कोई साडा आइडिया नहीं कि कोई असी किसी दे बिजली दे कोई मीटर लाउण लगे हैं या कोई असं कहते साडे कोल एनफ बिजली हैगी है खेत वाली खास तौर पर 8 घंटे की भी या 10-10 घंटे भी करती तो 12-12 घंटे भी चली है कई जगह से सो इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं कि असी बड़े या छोटे किसानों कोई इस तरह का कोई संथ नहीं फैल दे या कोई अफवाह फैल दे तो लोग कहने यार इन्ने किले बिल आया करूगा इन्ने किले फिर जमीन ना करा लिए इन ये ना कर दिनों असी कोई इस जो सिस्टम चल रहा वह कोई असी पंजाब सरकार को खजाने पैसे है PSPCL सबसिडी के पैसे असी अपडेट कर रहे हैं तो कोई इस तरह की एमरजेंसी नहीं कि सानू कोई इस तरह की सिफारिश मंगनी पैजे कि बिल ला दो जी ना लाओ जी कैटेगरी इसका नहरी पानी सब तो वधिया उपाय जी असी इस बार चलो कुदरती आफत आ गई बाद दे विच हड़ आ गए नहीं तो इस बार भी असी जिहड़े बहुत हजारां की गिणती च लखां की गिणती च ट्यूबवैलों बंद कराने च कामयाब हुए हैं क्योंकि मोगे जिहड़े ने दोबारा पुराने बंद पए 30 साल पुराना कितों वीडियो आई 35 साल बाद पानी देखे जी अंडरग्राउंड पाइप्स का काम चल रहा है नहरी पानी मैक्सीम मैं तुम्हें पहले भी दस्या सी कि पंजाब 35-36% पानी अपना यूज कर रहा है असी हुण 44-45 ते पहुंचे हैं मैं उम्मीद है कि नवंबर कणक आ जाएंगे नवंबर च जनवरी फरवरी तक जाने कि यह ला लो कि जाने कि हाड़ी के सीजन वे असी 70% तक पहुँच जाएंगे अपने पानी इस्तेमाल कर और 70% का मतलब है बहुत घट ट्यूबवैल चलन गए क्योंकि एक असी एक होर कदम चुके कि 3 महकमे असी इकट्ठे कर लगे हैं वाटर रिसोर्स इरीगेशन जिहड़े नहरी विभाग अपना ट्यूबवैल कनैक्शन जिहड़े है क्योंकि काम सारे ना पानी नाल ही है परमिशन इतों ही लेनी उधर ले जाओ जी उधर नहीं लेनी उधर दे दो जी 3 महकमे जिन्होंने इकट्ठे कर दिए तो फैसले लैन च इन्नी तेजी आऊगी तो पारदर्शिता आऊगी वैसे असी एक मंत्री को इकट्ठे करते हूँ असी महकमे मर्ज कर देने हूँ मीतेर जी देख रहे सारे वाटर रिसोर्स वगैरह इरीगेशन भी उन्होंने को ही है सो कई महकमे इदा देने जी एक दूजे मंत्री को एक दूजे मंत्री को फाइलों से इन्ना टाइम लग जाता कि फैसला नहीं लिया जाता सो असी आने वाले दिनों धरती चो पानी बचा साड़ी गरंटी भी है तो साडा फर्ज भी है तो असी बहुत खास तौर पर हम जो हाड़ आए हैं तो अज 1.5 लाख तो उपर 1.5 से 2 लाख क्यूसिक के बीच में हरी के पत्तन तो जा रहा है जी असी रीचार्ज पॉइंट बना के उन्होंने इतनी रखिए धरती ची अपनी ची जाए वह पानी तो साडा पानी का लैवल भी उपर आऊगा वाटर नू स्टोरेज का ज रेन हारवेस्टिंग जी है वो वास्ते असी एफर्ट्स कर रहे हैं तेलंगाना भी जाके आए थी उन्होंने चेक डैम बनाए हुए हैं छोटे छोटे पर साडा तो ग्रैविटी भी सानू जी है मदद करती है सो इस करके असी हुण आने वाले दिनों चा बहुत कुछ सीखे कुदरती जिहड़ियां आफत आई ने कि असी किते ना किते कुदरती बहाव जिहड़े सीगे उहदा रस्ता बदलता जिहड़ी ग्रैविटी है वह जा रही है हिमाचल तो अबोर वल जिहड़े हाईवे ने वह जा रहे हैं क्रॉस और 25-25 फुट उच्चे ने वो तो बन ही बन गए एक किस्म के तो उन्होंने साइफन उन्हें छड़े नहीं कि पानी जल्दी निकल सके इस करके असी मैं अपने अफसरों ने कहा कुदरत ने अपन एक सर्वे करके देता इस बार जिथे जिथे भी पानी करके सड़क टुटिया ने यदा मतलब पानी ने यह दसिया कि जो मर्जी कर लो मैं इतों की लंघन ही लंघना है जे 40 फुट सड़क टुटी है 100 फुट दियां पड़ोलियां पा के उस सड़क पानी का निकास का जोड़ा
वह प्रबंध किया जाऊगा। तो कुदरत ने जो सानू सर्वे करके दिते ने, कुदरत ना ज़्यादा छेड़छाड़ी जी है काफ़ी हद तक जिम्मेवार हो जाती है। सो असी इस गल वचनबद्ध भी हाँ कि पानी में बचाना भी है ते नाल नाल पानी लोगों तक पहुँचा भी है जी। रूफटॉप का भी एक आइडिया कि जो छत्ता तो पानी जो आता है उन्होंने भी जे रिस्टोर कर लिया जाए संभाल लिया जाए एक वह भी बहुत कारगर साबित होगा। एक जेडे खास तौर पर जे चेक डैम उन्होंने बनाए ने तेलंगना ने उस तरह भी असी जिहड़ा रिस्टोर करके जो लोड होगी तो उदो असी उन्होंने बड़े बड़े पंपा राही जिहड़ा वो खेतों तक पहुँचा सकते हैं। सो काफ़ी नेड़े असी पांच पिंडां दे होने चाहिए पांच लाख रुपया असी एक पिंड नूं जे सर्वसम्मति करदा पिंड तो उन्हें देवांगे। बाकी सिंबल की गल पंचायत दी चोणां आम तौर पर सिंबल तो नहीं होंदियां और मैनू लगता भी होनी भी नहीं चाहिए मेरा अपना जिहड़े मेरी निजी राय है क्योंकि फिर जे झाड़ू ते जां पंजे ते जां तकड़ी ते कोई जितूगा फिर उही होगा कि उन्हां दा सरपंच है। सो असी भाईचार किसान पैदा कर ली पिंडां नूं हाँ पिंडां दे लोकां नूं डेमोक्रेटिक राइट है कि वो वोटां वेले विधानसभा वेले जां लोग सभा वेले जिधर मर्जी हो जाए जिहड़ी मर्जी पार्टी वल चले जाए उन्हां दा डेमोक्रेटिक राइट है पर घट्टो घट जदों वोटां लंघ गईआं दो महीने का रौला हुंदा वोटां दा उस तों बाद घट्टो घट चार साल दस महीने तक इकट्ठे रहने चाहिए ना पिंड। सो जिहड़े पिंडां च लड़ाइयां खर्चे वाधू दे वो घटाउण वास्ते असीं कहिंदे हाँ जिहड़े हजे भी ये सोचते होणगे कि ऐतकी 30 लाख रुपया ला के सरपंच बनना फिर 2 करोड़ कढ़ांगे वो गलत फहमी च वो कढ़णगे कितों ला तो देणगे एक रुपये तो निगाह मेरी पंचायतों पैसा जाऊगा एक रुपये का हिसाब भी लै जाऊगा ये पहला ना काम नहीं है भी गलियां नालियां बन ना बन सरपंच की कोठी शुरू हो गई वो काम नहीं चलना। अश्विनी होगा जी सेशन कौन रोक सकता जी सेशन कौन रोक पिछला सेशन भी लीगल है कि चलो कोई राजपाल साहब ने कोई उन्होंने कोई बहुत ज्यादा कोई सलाहकार यह जहा होना अदरवाइज तो सेशन जोड़ा है वो अभी प्रोरोग नहीं किया सैनिटाइज किया जो मर्जी अभी कंटिन्यू कर सकते है जी मलेशिया एक कुड़ी का वीडियो मैं आया कुड़ी ना संपर्क हो गया अंबेसी का अंबेसी उन्होंने कस्टडी लै लूगी अजक ही लै लूगी तो फिर पासपोर्ट जोड़ा वो नवा बनाना पेगा। वैसे तो उस परिवार ना भी संपर्क हो गया वो भी पंजाबी परिवार ही है जिन्हें कोई काम करते असं उन्होंने भी टच है भी चलो छोड़ो इन्ना चलो होगी कोई घटना कोई माड़ा दिन सी इस तरह का कुछ जी तो जल्दी आ जूगी करे जी। होर भी मैं थोड़े राही अच कहना चाहना पहली गल तो मैं ये कहना चाहना मैं बतौर MP 14 तो लग्या होया मैं हज़ारा मुंडे कुड़ियों मैं लैके आया तुम भी बहुत सारिया वीडियो चलाई होनगियां कुवैत चो मस्कट चो दुबई चो मलेशिया चो सिंगापुर तो मतलब लीबिया चो लीबिया चो भी लैके आया है ना जी अर्मीनिया चो। मैं पहले तो ये कहना चाहना कि तुम इन्हों मुल्क जाने तो पहला सोचो कई बार सोचो। हाँ जो मैं जो सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री सी हजारा मुंडे कुड़ियां लेके आए तो उस वेले मामला पार्लीमेंट भी उठा सी असी भी ये कर रहे हैं जिहड़े एजेंट इस तरह भेजते हैं
असं उन्होंने सख्त कार्रवाई कर रहे। आईलैट्स वाले भी बहुत सारे असं जाली फड़े ने जोड़े अचक जगह जगह खोल रखे उन्होंने, तो बाद जाके पता लगता उतना कॉलेज है नहीं, उतो यूनिवर्सिटी जी है ही नहीं हो जिसके नाते जिस एडमिशन देकर भेजते, उन्होंने भी कार्रवाई करा। तो मैं हाँ एक किसी का दिल नहीं करता अपना वतन छड़ के जाने, पहला अपॉर्चुनिटी नहीं सी, हुण मौके मिल रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, 31,000 तो बाद नौकरियां मिल गई, प्राइवेट सैक्टर नौकरियां पैदा हो रही हैं। सो मैं तो बस तक कोशिश करा सरकार वालों कि उत्थे जाने की लोड़ ना पवे, पर इन केस कोई जाके उत्थे स्टक हो गया वो पासपोर्ट खो लिया जो कोई, असी एक दो दिन असी एक वट्सएप नंबर जारी करा, उस नंबर से दुनिया में कितने भी तुसी स्टक हो गए कोई पासपोर्ट नहीं मिल रहा जो होर हो गया पंजाब नाल संबंधित तुसी कोई है तो तुसी सानू उत्थे दसो, पंजाब सरकार MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय नाल गल करके असी उन्हां दी हैल्प करांगे। एक होर मैं तुहाडे जरिए दसना चाहुंदा, दिल्ली दे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते अराइवल ते पंजाब सरकार एक काउंटर खोलन जा रही है, पंजाब हैल्प सेंटर दिल्ली दे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते अराइवल ते उहदा दोनों पासे उहदा मतलब विंडो होगी, बाहरले पासे भी होगी ते एयरपोर्ट दे अंदरले पासे भी होगी, किसी भी किस्म की कोई ट्रैवल पंजाबी है कोई बजुर्ग है फ्लाइट कैंसल हो गई नहीं पता किधर जाइए हुण होटल नहीं पता कित्थे जाना है पता नहीं कितों सानू दोबारा बोर्डिंग कार्ड मिलणगे किसी का समान नहीं आया की करिए फार्म भरीए किवें करिए किसी नूं कहता भी तेरी टिकट प्रॉपर है नहीं जिहड़ा तेरा नाम नहीं आता रिजर्वेशन च कोई सहायता किसी किस्म की भी चाहिए होगी साढ़े को पंजाब हैल्प सेंटर के अफसर मौजूद होंगे होंगे चाहे उन्होंने पंजाब भवन लेके जाइए चाहे उन्होंने कितने भी ठहराइए खाण पीन का प्रबंध करना ये साडा काम होगा। पंजाब हैल्प सेंटर असी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अराइवल के उत्ते असी खोल रहे। जी देखिए अभी जो हिमाचल में भारी बारिश हुई पिछले दिनों तो उसका जो इनटेक है वो पंजाब में होता है, पंजाब में बारिश नहीं हुई लेकिन आपने सुना ही होगा मंडी में ऊपर इवन सोलन में कुल्लू में बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स और बादल फटने की खबरें आती हैं, तो पानी आता है हमारे पास। अभी मैं चार डैम है जो मेन मैं अपडेट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले भाखड़ा 1680 इसका खतरे का निशान है, 1680 फीट इस समय 1676 पर है, चार फीट अभी खतरे के निशान से नीचे है लेकिन 80,000 क्यूसिक पानी इससे छोड़ा जा रहा है कंट्रोल्ड तरीके से। कल भी BBMB ने PC करके ये बताया था और ये कोई डरने की या कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षित है और आज कम हो जाएगा पानी आज शाम तक। पोंग डैम है इसकी 1390 लिखी हुई है कि हमने 1390 तक खतरे का निशान, लेकिन ये 1396 चल रहा है, फिर भी सेफ इसलिए कि पास्ट में अगर देखें तो ये 1405 तक चला जाता है। इसमें कल तक 1,17,000 क्यूसेक पानी इसमें से छोड़ा जा रहा था जो कि क्योंकि इनके कब कम हो गया ऊपर से तो आज दोपहर बाद तक ये 1,00,000 तक आ जाएगा, पौंग से का पानी जो है वो कम छोड़ेंगे। घग्गर है वो बिल्कुल सेफ है, वो कंट्रोल में है, उससे कोई खतरे वाली बात नहीं है। रावी है उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है और हरीके का पानी क्योंकि भाखड़ा और पौंग का पानी हरीके में इकट्ठा होता है वहां से हमने इनफ मात्रा में हम पानी छोड़ रहे हैं ताकि वो पानी अगर डाफ लग गई तो कपूरथला जा उसके साथ साथ के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कोई नुकसान न करे। तो फिलहाल कोई घबराने वाली या कोई कोई अफवाह के पीछे लगने वाली बात नहीं है। आपको भी मैं सबको विनम्रता से आग्रह करूंगा कि जो हेडलाइंस हैं जो खबरें हैं
उनमें सनसनी वाली ना करें कि छोड़ दिया गया है पानी, आ गया है दोबारा कहर, ये सब अलग करने की बजाय सेफ है। मैं बताऊं मुख्यमंत्री, मेरे हिमाचल गवर्नमेंट से, बीबीएमबी से निरंतर हमारा संपर्क है, हर आधे आधे घंटे बाद हम बात करते हैं और आज शाम तक पानी कम होना शुरू हो जाएगा। देखो अभी स्पेशल गिरदावरियां चलो हो गई हैं, ज्यादातर हो गई हैं, अब दोबारा भी आ गया तो उसमें भी ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ये फ्लड का पानी है, ये कोई पता नहीं आज पानी 4 फुट है किसी खेत में, कल सुबह तक खाली हो जाए वो खेत, इसलिए स्पेशल गिरदावरी, उसमें बफलो, उसमें काओ, उसमें बकरी, उसमें मुर्गी, सब कुछ इंक्लूडेड है। हमने ये वादा किया था, जो वो हमारे पास स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा पड़ा है और उसमें से जारी करेंगे, साथ में पंजाब सरकार का अपना हिस्सा भी हम जारी करेंगे और एक एक घर को जो नुकसान हुआ, चाहे फसलों का चाहे पशुओं का, वो हम पूरा करेंगे। हाँ चिट्ठी लिखी असी, हजे रिस्पॉन्स नहीं आया, पर यह है कि पैसे साढ़े को पैने, असी जो नॉर्म्स ने उन्होंने थोड़ा रिलैक्स करने लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज पंजाब सरकार अपना हिस्सा पा दूगी। असी कोई पहला वाली सरकार वागू 11 रुपये के चैक नहीं देने, जब कोई 51 रुपये का चैक दिया, किसी 126 रुपये का चैक आ गया, वो नहीं करना। असी पैसे जो देवे देने शुरू कर भी देते 15 अगस्त में पटियाले में अकाउंट च पाए भी ने लोगों के, वो पैसे जोड़े ने फोन गए कि उन्होंने नुकसान होया, जोड़ा उन्होंने मजाक ना लगे, जब उन्होंने जख्मों से नमक ना लगे, मलम लगे। मतलब कई तो बना के ही बैठे हैं, कई मीडिया वाले तो ऐसे हैं कि कैबिनेट है इसमें ये जाएगा ये रहेगा, कृपया हमारे एमएलए को मत डराइए, हमारे मंत्रियों को मत डराइए, सरकार चल रही है, अच्छे से चल रही है। कोई भी ऐसी खबर आती है कि इसको बदल रहे हैं उसको बदल रहे हैं, उसमें सनसनी फैलाने वाली बात है, अदरवाइज कोई रीशफल का ऐसा इरादा नहीं, और जैसे ही रीशफल हुआ सबसे पहले मैं आपको बताऊँ। कहावत है मेले च मरूदा कौन पुछता है, धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 100% ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ओलंपिक ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕ ਡੱਫ ਓਲੰਪਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਈਆਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਸਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਦੇ ਗੋਲਡ ਆ, 1 ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਆ ਅਤੇ 4 ਦਾ ਕਾਂਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰ ਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਗੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।
सर दो मिनट मान लो कि मैं 2013 तो सरकार ने मौका लगा जी थोड़ा शॉर्ट रख तो पेपर 30 सेकंड बाद मिलो मैं दसना चाहना कि असी 2013 च पंजाब दा पहला बच्चा सी सुखविंदर जिहड़ा ओलंपिक्स खेलने लई कोरिया गया असी 2013 तो लैके केंद्र सरकार और पंजाब सरकार सारिया सरकार के मगर लगे रहे हैं मीटिंगा होंदिया रही 2017 तक पहली सरकार अकाली सरकार बीजेपी सानू सवाए आश्वासना तो 25-25 मीटिंगा हुई हैं लेकिन पॉलिसी ड्राफ्ट होने बाद नोटिफाई नहीं हुई फिर कैप्टन साहब की सरकार आई असी उन्होंने मगर भी 5 साल लगे रहे हैं कुछ नहीं बनया पहली बारी होया जब एस आर स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी सी तां मंत्री साहब ने सानू इनवाइट किया भी तुसी दसो तुहाडियां मुश्किलां की पहली बारी होया भी सरकार ने सानू बुलाया होए पहला असी धक्के ही खांदे रहे 10 साल 2013 तो लैके 23 तक सानू किसी ने नहीं दसा इन्होंने स्पैशल सानू इत्थे चंडीगढ़ बुलाया जो पॉलिसी बनानी सी असी राजस्थान हरियाणा पंजाब दिल्ली झारखंड सारिया स्टेट की पॉलिसी दिती और मान सरकार ने वह काम करके दिखाया जिहड़ा पूरे इंडिया विच किते नहीं है मैं दावा करदा मेरे को पॉलिसी पई है जिहड़ा स्पैशल बच्चों जो प्राइज मनी दिती गई महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड दिता गया और जिहड़े ओलंपिक क्वालीफाई करेंगे टीम इंडिया च नहीं आवणगे उन्हां दा भी विशेष ध्यान रखा गया यह पॉलिसी पूरे इंडिया विच नहीं है मेरा चैलेंज है ओपन जिहड़ा मर्जी स्टेट की पॉलिसी लै लो मेरे को सारिया पॉलिसियां पईआं 75 लाख रुपया गोल्ड का 50 लाख सिल्वर का 30 लाख ब्रोंज का 10 लाख पार्टीसपेशन का और 8 लाख उन्होंने बच्चों जेडे इंडिया की टीम च प्रोबेबल च तो आ गए लेकिन जित नहीं सके उन्होंने वास्ते भी 8 लाख रुपया दिता भी तुम अगली ओलंपिक की तैयारियां करो मेरे को शब्द नहीं है इन्होंने चीज़ों बयान करने वास्ते मैं तय दिलों इन्हों स्पैशल बच्चों की जेडे अपने हकों की आवाज़ चुकते रहे उन्होंने किसी की आवाज़ नहीं सुनी मैं मान साहब का तय दिलों धन्यवाद करता भी इन्हों दुआवं बहुत फलन गई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी बहुत बहुत ही शांतिपूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगे ही नहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है लगता सी आपस च गल कर रहे हो गल ही कीतियां तुसी लिया के जो ग्राउंड ते कोई समस्यावां ने तुसी सानू अखबारां राही टीवी राही दस दिओ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਤੁਹਾਡੀ 70 ਮਿੰਟ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਚ 70 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 70 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂ ਆਓ